हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में प्रमाप विचलन कहते हैं। प्रमाप विचलन। तो आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। प्रमाप विचलन अपकिरण माप के सबसे लोकप्रिय व आदर्श माप है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का सबसे लोकप्रिय और आदर्श माप है। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों का समांतर माध्य से विचलन के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन होगी। अब हम प्रमाप विचलन निकालने की मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट हम इंडिविजुअल सीरीज लेके चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारी वास्तविक माध्य से विचलन लेना। वास्तविक माध्य इट मीन्स एक्चुअल मीन से विचलन लेना। इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट हमारा एक्चुअल मीन से हम कैसे डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू समेशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये हमारा एक्चुअल मीन से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पे सिग्मा इक्वल टू प्रमाप विचलन। सिग्मा हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू माध्य से लिए गए विचलनों लिए गए विचलन वर्गों का जोड़ हमारा समीकरण डी स्क्वायर होता है एंड पदों की संख्या होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीकरण डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पर आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नेक्स्ट है हमारा एज्यूम्ड मीन से हम कैसे
डिवीजन निकालेंगे। सेकेंड हमारा काल्पनिक माध्य, इट मीन्स अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन से विचलन लेना। तो हम अज्यूम्ड मीन से कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन से विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हम अज्यूम्ड मीन से जब डेविएशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा, अगर हम एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमें सीरीज गिवन है, इसकी हेल्प से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पद गिवन है 14, 16, 18, 19, 25, 28। तो ये हमें गिवन सीरीज है, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इसकी हेल्प से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फर्स्ट हम टेबल बना लेते हैं, ये हमारी टेबल होगी। फर्स्ट में हमकी क्रम संख्या आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे जो पद दे रखे हैं एक्स वो वैल्यू आ जाएंगी। फर्स्ट टेबल में हम एक्चुअल मीन से डेविएशन के लिए टेबल बनाई है, नेक्स्ट हमारी अज्यूम्ड मीन से हम डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये उसके लिए टेबल है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पद आपको गिवन है 14, 16, 18, 19, 25 एंड 28, ये हमें एक्स की वैल्यू गिवन है। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार के लिए हमें पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं, यहाँ से समीशन एक्स की वैल्यू निकलेगी। समीशन एक्स इक्वल टू सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो 120, हमारे यहाँ से समीशन एक्स मिल गया। तो एक्स बार निकाल लेते हैं सबसे पहले। एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार का फॉर्मूला होता है हमारा मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स की वैल्यू मिली हमें 120 एंड एन की वैल्यू है आपके पद हैं 6, तो वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज एक्स बार इक्वल टू 20, एक्स बार की वैल्यू हमें 20 मिल गई है। तो यहाँ से अब हम डी निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 20। तो हम अब डी निकाल सकते हैं, एक्स में से एक्स बार को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 14 माइनस 20 माइनस 6, इसी तरीके से माइनस 4, माइनस 2, माइनस 1, 5 एंड 8। तो ये हमें डी की वैल्यू मिल गई। अब हमें डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर कर देंगे 36, 16, 4, 1, 25 एंड 64। ये हमें डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। समीशन डी स्क्वायर निकालेंगे तो समीशन डी स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर लेते हैं 146, यहाँ से हमें समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम अज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जो हमारी अज्यूम्ड मीन है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम्ड मीन 19 मान रखा है, तो यहाँ से हम एक्स माइनस 19, डी एक्स की वैल्यू होगी एक्स माइनस ए, जहाँ पर ये हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। तो एक ही जगह हमने अज्यूम्ड मीन 19 मान रखा है, तो एक्स माइनस 19 निकाल लेते हैं। 14 माइनस 19 माइनस 5, 16 माइनस 19 माइनस 3, माइनस 1, 0, प्लस 6, प्लस 9, ये हमारे डी एक्स की वैल्यू होगी। समीशन डी एक्स निकालेंगे तो समीशन डी एक्स इक्वल टू सम कर लेते हैं 6, हमारी समीशन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें डी स्क्वायर एक्स निकालना है, 25, 9, 1, 0, 36, 81, ये हमें डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई। अब समीशन डी स्क्वायर एक्स निकालते हैं, समीशन डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 152। तो हमने वैल्यूज निकाल दी डी स्क्वायर डी एक्स एंड डी स्क्वायर एक्स की, ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल लेते हैं।
एक्चुअल मीन से हम डिवीजन निकाल लेते हैं. एक्चुअल मीन से डिवीजन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन. तो एक्चुअल मीन से हमारे डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिली थी हमें 146 अपॉन एन की वैल्यू 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24.33. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4.93. दिस इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू 4.93. तो हमारे स्टैंडर्ड डिवीजन एक्चुअल मीन से हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू मिल गई. इसी तरीके से हम एज्यूम्ड मीन से निकाल लेते हैं. एज्यूम्ड मीन से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं. स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन से सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला होता है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली हमें 152 अपॉन एन 6 माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू मिली थी 6 अपॉन 6 का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25.33 माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24.33 इक्वल टू 4.93. दिस इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू 4.93. तो हमने एक्चुअल मीन से भी डिवीजन निकाला और एज्यूम्ड मीन से भी डिवीजन निकाला. एक्चुअल मीन से निकाला तो भी हमारा 4.93 आया था और एज्यूम्ड मीन से निकाला तो भी हमारा 4.93 आया था. तो हम किसी भी मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं. अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी. नेक्स्ट हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं. सेकेंड है हमारी डिस्क्रीट सीरीज. अगर सीरीज हमारी डिस्क्रीट होगी तो हम कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे. इसमें फर्स्ट है हमारा एक्चुअल मीन मेथड. एक्चुअल मीन मेथड से हम कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन. अगर हम एक्चुअल मीन मेथड से डिवीजन निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू समेशन एफ स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, जहाँ पर डी इक्वल टू डिवीजन होता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार और एक्स बार हमारा मीन होता है. एक्स में से हम मीन निकालें तो हमें डी मिल जाएगा. तो हमारा एक्चुअल मीन मेथड सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन होगा जब हमारा सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होगी. इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारी एज्यूम्ड मीन मेथड. सेकेंड है एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे. इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. अगर हम एज्यूम्ड मीन से डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये हमारा होता है सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये हमारा एज्यूम्ड मीन से हो गया. नेक्स्ट है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड से हम कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे. थर्ड वन है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड. अगर हमें स्टेप डिवीजन मेथड से सिग्मा की वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर.
अगर हम स्टेप डिवीजन मेथड से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा इक्वल टू आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है जहाँ पे डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन आई, जहाँ पर डी एक्स डैश की वैल्यू होगी डी एक्स अपॉन आई और आई हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड हो गया डिस्क्रीट सीरीज में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।